ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स दिया गया है, ठीक है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, इसको आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्सप्रेस करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एज सच ये एग्ज़ाम में बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका अप्लीकेशन ये इंटरमीडिएट स्टेप होगा आपके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस का। तो आपको इसका एक एक्सपीरियंस अपने पास रखना है, ये बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट नहीं होने देगा, किसी इंटरमीडिएट के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आना नेसेसरी होना चाहिए। खैर, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन इनवर्स ऑफ, अगर कॉस से हम डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स होल अपॉन, क्या लिख दिया हमने, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हमने कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया। अब स्ट्रक्चर देखते जाइए कि कैसे वो कन्वर्ट होता चला जा रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, वन, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, वन हो गया। इसी तरह से कॉस अपॉन कॉस यहाँ भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो गया, ठीक। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, यहाँ साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन हो गया, तो इसको हटा के क्या लिख देंगे, यहाँ पे टेन लिख देंगे, तो दैट इज टेन एक्स। इसको भी हटा के आप क्या लिख दोगे, टेन एक्स, ठीक। अब सोचिए यहाँ पे, यहाँ के बाद भी आपके पास की स्टेप है, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। अब टेन 45 लिखिए या इसको टेन पाई बाई फोर लिखिए, ठीक है, ये दोनों ही बात बराबर है। इसका मतलब कि जो ये वन है, इस वन को क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, टेन पाई बाई फोर, तो इस वन को हम टेन पाई बाई फोर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम कर देते हैं, टेन इनवर्स ऑफ इस वन और यहाँ वन हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस वन को और इस वन को हम क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन माइनस वन, सॉरी वन प्लस टेन क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। अब देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, किसी का फॉर्मूला है ना, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, किसका होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो इट कुड बी रिटन एज ए टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फिर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, बशर्ते थीटा रेंज में आए, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आए, ठीक है। इसी के लिए वो रिस्ट्रिक्शन दिया गया, आप चेक कर सकते हो। खैर, यहाँ पे आपको बोर्ड में करना है तो सिंपली इसको लिख दोगे, ये हमेशा ही हो जाता है, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो दैट इज़ योर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, जो आपके पास ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रही थी, ठीक है। तो होगा क्या, डिफ्रेंशिएशन में होगा, कह देगा कि फाइंड द डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ऐसे ही बता दो, इसका जीरो इसका माइनस वन होता है। इसी तरह से क्या है, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन सोचिए ये है क्या, ये तो यही है, और इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, इसका पाई बाई फोर एक्स और इसका एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जब आप इंटरमीडिएट किसी क्वेश्चन के बीच का ये पार्ट हो सकता है, वहाँ पे ये डेंजरस हो सकता है। और देख रहे हैं कि इसको एडजस्ट कितना कायदे से किया गया है, ठीक है, इसको अदर वे भी किया जा सकता है। हम लोग क्या करें, कॉस एक्स को हम लोग साइन 90 माइनस एक्स लिख लें, और इसी तरह से इसको साइन 90 माइनस एक्स लिख लें, फिर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, और फिर आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास ये आंसर, ये दूसरा तरीका हो सकता है करने का, लेकिन ये सबसे स्मार्ट तरीका है इसको डील करने का, ठीक है।